वॉट आर दीज? दीज आर प्लेइंग कार्ड्स, इन्हें प्लेइंग कार्ड्स कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा, पर ये जो पैक है 52 कार्ड्स का, उन्हें कहा जाता है डेक ऑफ कार्ड्स, और इन्हें हिंदी में कहा जाता है ताश, ये तो आपको पता होगा। पर हम देखेंगे कि ताश से रिलेटेड इंग्लिश में क्या क्या वर्ड्स हम बोलते हैं और इससे जुड़े हुए और भी वोकैबुलरी हम देखने वाले हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज वॉच टिल द एंड, डोंट स्किप इन द मिडल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल, ऑल माई लाइफ आई हैव प्लेड प्लेइंग कार्ड्स विथ माई ग्रैंडमा, मैटर्नल ग्रैंडमा एंड ऑल अदर रिलेटिव्स ऑफ माइन। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस कि मैंने ऐसे किया, ठीक है। सो इसे बोलते हैं शफल करना, ताकि पत्ते जो है वो मिक्स हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड शफलिंग ऑफ द कार्ड्स। इनके अलावा अदर देन दीज 52 कार्ड्स, दो और कार्ड्स होते हैं जिन्हें जोकर कहा जाता है या ट्रम्प कार्ड्स कहा जाता है। इन 52 कार्ड्स में 13 तरह के अलग अलग कार्ड्स होते हैं, दैट मीन्स 13 का एक सूट होता है और 4 सूट्स होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर। सो जो 13 का पैक होता है उसे कहा जाता है सूट। अब आप देख सकते हैं ये 4 तरह के अलग अलग कार्ड्स हैं, इसका एक सूट बनेगा जो कि 13 कार्ड्स का होगा, और इसका एक अलग सूट बनेगा जिसका 13 कार्ड्स का सूट बनेगा। सो देयर आर 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच। नाउ वन बाय वन, एक एक करके हम इन सारों के नाम याद कर लेते हैं कि इन्हें बोला क्या जाता है। अब इन 52 कार्ड्स में कुछ नंबर्ड होते हैं, कुछ नॉन नंबर्ड होते हैं, जिन्हें फेस कार्ड्स कहा जाता है। सो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम आगे देखेंगे। You can have a closer look at it. So, this one is heart. Look at this card. ये है eat. और eat को बोला जाता है diamond English में। अब आप ये देख सकते हैं, have a closer look at it. इसे हम हिंदी में चिड़ी बोलते हैं और English में बोलते हैं club. Club. This one, इसे हम काला पान बोलते हैं पर English में बोलते हैं spade. Spade. अब मैं पूछूं आपसे ये क्या है, तो आप बोलेंगे क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड, ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, आपके पास ये 3 पत्ते हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शंस में कि आप इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आप इन्हें देख सकते हैं, हैव अ क्लोजर लुक एट इट। ये है फेस कार्ड्स और नॉन नंबर्ड कार्ड्स। अब इसमें से जो ए लिखा होता है उसे हम बोलते हैं एस, एस। ये दोनों तो आपके लिए आसान है, किंग एंड क्वीन, ये पिक्चर से समझ में आ रहा है। इसे आप देख सकते हैं, हिंदी में गुलाम कहा जाता है, इंग्लिश में जैक बोला जाता है, इट्स जैक। अब अगर ताश ऐसे रखा है, कार्ड्स ऐसे रखे हैं जिसमें फेस नहीं दिख रहा है, उसे आप बोलेंगे डाउन कार्ड, और इसे आप बोलेंगे अप कार्ड जिसमें फेस दिख रहा है, डाउन कार्ड एंड अप कार्ड। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग, आई नो अराउंड 7 to 8 गेम्स ऑफ कार्ड्स। हाउ मेनी डू यू नो? As I already told you that I have grown up playing cards with my family members, so that's why I know so many games. And this is my favorite pastime whenever I am free. Now there's a question for you, agar aap cards khelte hain aur aapko cards ki knowledge hai, hand cards mein kis cheez ko kaha jata hai aur kyon kaha jata hai? Comment me the comment sections. So pehle comment kijiye and then check the pinned comment jahan pe maine uska answer bataya. Now let me tell you, this is just a game. It is not gambling or jua. It's just a game, okay? So agar ye aap jua khelte hain, paisa lagate hain, then that is called gambling. But abhi ye bas game hai. It's just for entertainment purpose. So please take it lightly. Hope you like this cards vocabulary and you will never forget what is called what. Kise kya kaha jata hai ab aap nahi bolenge. And one more thing, tell me your favorite game in the cards. In the comment sections, whether it's in Hindi or English, just comment me. Hope you like this video and share it to others. It's something new. Or agar aap hamare channel pe pehli baar aaye, do subscribe and press the bell icon for notifications. If you are on Instagram, do follow our page letterbitter01. And if you want to take one-on-one appointment for half an hour or for 15 minutes, you can just go to the link in the description. Soon I'll be coming up with one more interesting video, so stay tuned. And stay safe, stay healthy, stay happy. Keep learning, keep growing.